कार्ड को बनाने के लिए मैंने येलो कलर का एक थिक शीट लिया है और उस पर फ्लावर पेटल ड्रॉ। हम 3 शीट लेंगे और हर एक शीट से 2 फ्लावर पेटल्स बनाएंगे। टोटल हमें 6 पेटल्स बनाने हैं, इसलिए हमें 3 शीट लेनी है। सभी पेटल्स पर हमें इसी तरह से होल करना है। अब मैंने पिंक कलर का क्राफ्ट पेपर लिया है और इसे फोल्ड करके इस पर छोटा सा पेटल ड्रॉ करना है और फिर इसे कट कर लेना है। इससे हमें 6 पेटल्स मिलेंगे। अब हम बारी बारी से येलो कलर की शीट पे पिंक कलर की शीट पेस्ट करते जाएंगे। अब हम यहाँ पर पेपर से नट बनाएंगे। इसके लिए पेपर को टाइटली रोल कर लेना है हमें और फिर कट कर लेना है। 1.5 से 2 सेंटीमीटर की लंबाई में हमें इस रोल को कट करना है। अब सेम उसी येलो कलर की शीट का बचा हुआ टुकड़ा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और राउंड कट किया है। फेविकोल लगाकर इसे पेस्ट करें। फ्लावर पेटल्स को अब हम पेपर रोल में एक एक करके डाल देंगे। सारे फ्लावर पेटल्स को आप एक साथ होल्ड करें, जिससे आपको सुविधा होगी। अब इसके ऊपर हम दूसरा सर्कल पेस्ट कर देंगे। A4 साइज के पेपर को 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के साथ लंबा काट लेंगे। अब इसे फोल्ड करके हम फेविकॉल से पेस्ट कर देंगे। इस फ्लावर को बनाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ आप वहाँ पे चेक कर लें। मैंने ये फ्लावर पहले ही बना कर रखा था। फ्लावर पेटल्स हमारे इधर उधर ना खिसके, इसलिए मैंने ये बेल्ट बनाया है और इससे खूबसूरत भी लग रहा है ये कार्ड। पेपर नट पे एक और फ्लावर पेस्ट करें। अब यह कार्ड हमारा बनकर रेडी है। प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको यह कार्ड कैसा लगा। अगर आपको यह कार्ड पसंद आया, ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।